सीखा, या तो लेना लेना सीखा या तो लेना देना सीखा, बस। और प्रेम कहते हैं देना देना। नंबर दो, प्रेम कहते हैं जो शुद्ध वस्तु से हो। ध्यान दो, शुद्ध पर्सनैलिटी से हो, यानी भगवान और संत ये दोनों एक है और शुद्ध है। इनसे जो मन का अटैचमेंट करेगा उसका नाम प्रेम, और शेष संसार से वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई हो, जो प्यार करेगा वो प्रेम नहीं, उसका नाम आसक्ति। आसक्ति का फल 84 लाख योनियां, क्योंकि ये सब नश्वर है। अरे अनंत बाप बनाया हमने, कौन सा बाप, तेरा बाप कौन होता, एक बाप है तेरे, हर जन्म में बाप बनाता है। अरे मैं मातृभक्त हूं, अरे क्या मातृभक्त है तू, अनंत माँ तेरे बन चुकी हर जन्म में। मैं पतिव्रता हूं, क्या पतिव्रता है तू, अनंत पति बन चुके तेरे, हर जन्म में पति बनते, कोई एक पति हुआ है क्या। कति नाम सुता न लालिता, कतिवाने मधुर बुंजी, क्वनु ते क्वनुकाश्च वावयम। अनंत जन्म हो चुके, अनंत माँ बाप बेटा स्त्री पति बना चुके, कहाँ है वो, कुछ पता है, अजी नहीं कुछ पता नहीं। फिर क्या बकवास करता है, ये हमारा बाप है, हमारी माँ है। तेरे माँ बाप, भाई, पिता, प्रियतम सब भगवान है। तू जीवात्मा हो, शरीर नहीं हो, इसलिए जब गोपियां श्री कृष्ण के पास गईं, तो श्री कृष्ण ने कहा कि पति की भक्ति करना तुम्हारा धर्म है। तो गोपियों ने कहा पति का मेरा कोई हिसाब है, एक पति का, अनंत पति हो चुके, कौन से पति का हम धर्म निभाएं। और फिर अगर हम पति से प्यार करते हैं और पति नरक जाता है तो हमको भी नरक जाना पड़ेगा, ये नियम है। जो व्यक्ति जिससे प्यार करता है मरने के बाद उसी को प्राप्त होता है। अगर हम किसी पुरुष से प्यार करते हैं और मरने के बाद वो गधा बनता है तो हमको गधे का पुत्र बनना पड़ेगा, हम भी और मर गए, मनुष्य शरीर भी गया हमारे हाथ से। यांत देव व्रता देवान पितरीन जानति पितृव्रता, गीता। बड़ा सीधा सा मंत्र है ये, मन एक लड़की है, हम अपनी लड़की की शादी करते हैं, बॉडी की, शरीर की, तो जहां शादी करते हैं उसके पास जो भी प्रॉपर्टी होगी हमको मिल जाती है। ऐसे ही ये मन है, हम जहां इसका प्यार करेंगे उसके पास जो कुछ होगा वो हमको मिल जाएगा। वो तमोगुणी है, हमारा बाप, हमारी माँ, हमारा पति, तो हमको नरक जाना पड़ेगा। वो रजोगुणी है और हम उससे प्यार करेंगे तो मृत्युलोक में आना पड़ेगा। वो सत्वगुणी है और हम प्यार करेंगे तो स्वर्ग जाना पड़ेगा, कुछ दिन को वो स्वर्ग होता है, फिर कुत्ते बिल्ली गधे बनो। और अगर हम भगवान और महापुरुष से ही प्यार करेंगे तो भगवान का धाम मिलेगा, भगवान का आनंद मिलेगा, अनंत मात्रा का सदा के लिए।
बस इतनी सी फिलॉसफी। अब हमको क्या चाहिए, एक डिसीजन हम ले, हमको अनंत आनंद चाहिए या स्वर्ग वाला चाहिए या मृत्युलोक वाला चाहिए या नरक वाला चाहिए, जैसा आनंद चाहिए ऐसे व्यक्ति से प्यार कर लो। प्यार करने के तरीके में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम अपनी माँ से, बाप से, पति से प्यार करते हैं, ऐसे ही भक्त लोग भगवान से करते हैं। अरे वही इंद्रियां तो हैं जो हमारे पास है। कोई तुलसीदास, सूरदास, मीरा आदि संतों के पास एक्स्ट्रा इंद्रिय थोड़े होती है। यही आंख है, यही कान है, यही नासिका है, यही मन है, यही बुद्धि है। अरे वो भी हमारी तरह थे पहले, उन्होंने भगवान से प्यार कर लिया तो संसार से परे हो गए, भगवान का आनंद मिल गया, मालामाल हो गए। हमने नहीं माना संतों की बात और माँ बाप बेटा स्त्री पति से प्यार करते रहे हर जन्म में और 84 लाख में घूमते रहे। प्यार में कोई अंतर नहीं है, वही तरीका है प्यार का। सबसे अधिक संसार में प्यार होता है स्त्री पति का, ऐसे ही भगवान से सबसे अधिक प्यार का भाव, माधुर्य भाव, वे हमारे प्रियतम। संसार में स्त्री पति के बाद नंबर है मां बाप का, फिर उसके बाद नंबर है सखा का, मित्र का, फिर उसके बाद नंबर है नौकर का। ऐसे ही भगवान के प्रेम में है सबसे ऊंचा प्रेम, भगवान को प्रियतम मानकर प्यार करे, उससे नीचे भगवान को बेटा मान के प्यार करे, उससे नीचे सखा मान के प्यार करे, उससे नीचे स्वामी मानकर प्यार करे। लेकिन कुछ भी मान के प्यार करे, यहां तक कि दुश्मन भी मान के मन का अटैचमेंट कर दे तो कंस वगैरह को भी गोलोक मिला। देखो पारस में लोहा चाहे प्यार से छुआ दो तो भी सोना बनेगा और चाहे गुस्से में लड़ा दो तो भी सोना बनेगा। रसगुल्ले को चाहे काट के चम्मच से और कांटे से, बड़े ढंग से, चिकेट से मुंह में डालो तो भी मीठा लगेगा और कोई जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में ठूंस दे तो भी मीठा लगेगा और तो रसगुल्ला अपना काम करेगा। ऐसे ही भगवान महापुरुष है, उनमें किसी भाव से प्यार करो। लोग गोपियों ने काम भाव से प्यार कर लिया, उनके विवाहित पति थे और चोरी चोरी प्यार करती थी, वो सबसे आगे निकल गई। ये माधुर्य भाव में दो प्रकार के महापुरुष होते हैं, एक परकीय भाव वाले, एक स्वकीय भाव वाले। स्वकीय माने जिसका ब्याह होता है संसार में, जैसे विवाहित पति है उसको स्वकीय प्रेम कहते हैं, और एक पति विवाहित है लेकिन चोरी चोरी प्यार करती है दूसरे पुरुष से, ये परकीय भाव कहलाता है। तो गोपियों के अपने पति थे और चोरी चोरी प्यार करती थी श्याम सुंदर से पति मानकर, प्रियतम मानकर, तो वे उनका स्थान सबसे ऊंचा हुआ। और जो विवाहिता स्त्रियां थी 16108 द्वारिका में, उनका स्थान नीचे हो गया। रुक्मिणी वगैरह का, उन पटरानियों का स्थान नीचे हो गया, वो अनुराग भक्ति तक गई। प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, यहां तक गई रुक्मिणी वगैरह। उसके आगे महाभाव भक्ति, यहां गई ब्रजगोपियां। तो किसी भी भाव से शुद्ध वस्तु में मन का अटैचमेंट हो जाए तो वो शुद्ध हो जाएगा।
सत्य व्यवहार भगवान और महापुरुष से किया जाता है और संसार से एक्टिंग का व्यवहार किया जाता है, झूठा व्यवहार। कोई घर में आ गया हमारे, हम नहीं चाहते कि आवे और रात को 12 बजे आ भगता, तो सत्य व्यवहार तो ये है कि साहब आपको तमीज नहीं है 11 बजे 12 बजे आ गए हमारे घर में, हमारी नींद खराब हुई, ये सत्य व्यवहार है। लेकिन ये नहीं करना है, आइए आइए, अरे साहब आपकी तो हम प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसी एक दिन की बात संसार में की जाती है। लेकिन भगवान महापुरुष की यहां एक दिन किया कि मरे, क्योंकि वो सर्वांतर्यामी है, सर्वज्ञ है, वो निश्चल व्यवहार चाहता है। मोह कपट छल छिद्र न भावा, तो संसार में चालाक बनो, किसी का विश्वास न करो, साफ स्वार्थ से प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान और महापुरुष का अपना कोई स्वार्थ नहीं है तुमसे, क्योंकि उनको आनंद मिल चुका। अरे यही तो स्वार्थ है हमारा कि हमको आनंद नहीं मिला, और भगवान को आनंद स्वरूप है ही है, और संतों को भगवान का आनंद मिल गया, इसलिए उनका कोई स्वार्थ ही नहीं बचा। तो वे हमारे ऊपर जो कृपा करेंगे वो हमारे लिए करेंगे, उनको देना देना है, लेना नहीं है हमसे। हम क्या देंगे, हमारा शरीर गंदा, हमारा मन गंदा, हमारी बुद्धि गंदी, सब माया। उनके पास दिव्य दिव्य वस्तु है, वो क्यों लेंगे हमारी वस्तु। अरे देखो, हम लोग संसार में खाना खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, चलते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो संसार की अच्छी अच्छी वस्तु ग्रहण करते हैं और खराब वस्तु को त्याग देते हैं। एक थाली में रसगुल्ला रख दे कोई, एक थाली में खराब वस्तु रख दे, तो आप क्या करेंगे, खराब वस्तु को देख के छी 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 छी, और रसगुल्ला देख के वाह 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 वाह। तो उसी प्रकार ये सारा संसार त्याज्य है। ये बात बुद्धि में जब बैठ जाए तो बस संसार में व्यवहार करो, व्यवहार खूब करो। गीता कहती है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच, कर्म करो, बाबा जी बनने की जरूरत नहीं, लेकिन मन का अटैचमेंट हरि गुरु में हो, मन का प्यार संसार में न हो, वरना रोगे। परलोक भी गया और जहां प्यार किया उसका दुख भी तुमको मिलेगा। तुमने बेटे से प्यार किया, हाँ आज वो बीमार है, फिर हमको भी दुख दुख होने लगा, क्यों, क्या पता हम मर जाए। अभी मरे तो नहीं, हम मरा तो नहीं है, लेकिन बीमार है, अभी तो दुख शुरू हो गया, और अगर कहीं मर गया तो फिर दुख के दुख है। ये क्यों दुख मिला, पड़ोसी का लड़का भी तो मरा था, तब तुम्हें दुख नहीं हुआ था। अपने बेटे से स्वार्थ का भ्रम था, भ्रम स्वार्थ, तुम्हारे स्वार्थ की पूर्ति बेटा करेगा। अरे बेटा को क्या चाहता है, तुम कब मरो, प्रॉपर्टी पूरी हमको मिल जाए। अरे किसका बेटा, सबको आनंद चाहिए, जरा सी बात नहीं माना बाप ने बेटे की, हा मूडा, बेटे की बात बाप ने नहीं माना, बाप की बात बेटे ने नहीं माना, स्त्री की बात पति ने नहीं माना, पति की बात स्त्री ने नहीं माना, बस मूडा लड़ाई।
स्वार्थ की हानि का परिणाम देखो, अभी नेपाल नरेश वगैरह का मर्डर हो गया 11 आदमियों का, जिनके पीछे सैकड़ों फौज लगी है रक्षा के लिए, पूरे परिवार को समाप्त कर दिया। किसी ने किया स्वार्थ की दृष्टि से तो किया होगा, ये मर जाए तो हमारा काम बन जाए। तो प्रेम अलौकिक वस्तु है और वो गुरु कृपा से मिलती है, लेकिन पहले हमको अंतःकरण का पात्र शुद्ध करना पड़ेगा, ये हमारी ड्यूटी। तो गुरु की शरण में जाकर गुरु के द्वारा बताई हुई साधना करके अंतःकरण को शुद्ध करो, तब वही गुरु तुमको दिव्य प्रेम देगा। उस प्रेम के अंडर में हो जाते हैं भगवान, जरा सी छाछ पर भगवान को नाचना पड़ता है, दास हो जाते हैं, भगवत्ता भूल जाते हैं। वो है वास्तविक प्रेम। जिसको पाना है वो प्रेम करे, पहले करे, किससे करे? महापुरुष हो भगवान से करे। तो उससे क्या होगा? अंतःकरण जो गंदा है पाप से, वो शुद्ध होगा। जब शुद्ध होगा तो बर्तन बन जाएगा। तो बिना हमारे मांगे और बिना हमें हमारे कुछ दाम दिए, अरे हम दाम क्या देंगे, हमारे पास सब माइक चीजें, गंदी चीजें, और वो चीज है दिव्य जो हमको देंगे गुरु महापुरुष, तब वो प्रेम देंगे, तब जीव कृतार्थ होगा। ये प्रेम तत्व का निरूपण संक्षिप्त है।